तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो यार आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ में। तो आज की वीडियो में यार गेम प्ले मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैटर जो करता है वो है इन्फॉर्मेशन। अभी तुम जानते हो कि सबसे ज़्यादा अगर कोई हैक चल रहा है MPL के ऊपर, तो अब फ्रीजिंग हैक हो चुका है। क्योंकि पहले के टाइम की बात करें तो पहले था वन शॉट हैक, जो कि अब बंद हो चुका है, लेकिन अभी भी टाई और फ्रीज वाले हैक जो है सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। तो और एक और हैक है, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के बारे में बात करते हैं। जो फ्रीजिंग हैक लोग कर देते हैं, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े मैचेस खेलते हैं, अगर उनमें फ्रीज होता है तो वो लोग क्या करते हैं, वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि कई लोगों को नहीं पता है, वो फिर वेट करते रह जाते हैं, घंटों तक वेट करते हैं, और उसके बावजूद सॉल्यूशन आता है कि यू लॉस्ट। तो उससे बचने के लिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन ले लो यार, क्योंकि अभी तुम बीच में देख के चले जाओगे तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए एंड तक देखना वीडियो को, एक एक चीज़ मैं अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो आज वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रीजिंग वाले हैक से बचने के लिए सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए तुम्हारे फ़ोन के अंदर, वो है स्क्रीन रिकॉर्डर। अगर तुम 35 या उससे ऊपर वाली टेबल्स खेलते हो, 1000 2000 जो भी खेलते हो, तो स्क्रीन रिकॉर्डर तुम्हारे पास कंपलसरी होना चाहिए। और जितने भी बड़े प्लेयर हैं, समझदार प्लेयर हैं, वो रखते हैं। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए बोल रहा हूँ ये चीज़ मैं। तो स्क्रीन रिकॉर्डर हमेशा रखना है, ऑन नहीं करना है। उसको ऑन कब करना है? जब तुम्हारे को सामने वाले बंदे के ऊपर शक हो, तुम नहीं जानते हो उसको, तुम नहीं जानते कि वो फेयर प्लेयर है या नहीं है, पूरे बैटल ऑन रखो। क्योंकि तुम नहीं जानते वो कब तुम्हारी बॉल को गायब कर देगा टेबल से। और ये भी एक नया हैक है, इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो हमेशा ऑन रखना। अब जब भी मैच फ्रीज हो जाए, तो फ्रीज होने के जस्ट 5 मिनट बाद, 5 मिनट पहले कर लो या बाद में कर लो, हल्का सा वेट कर लेना। और उसके बाद में 2 मिनट की वीडियो को रिकॉर्ड करना है, 2 मिनट की वीडियो को रिकॉर्ड करना है, और उसके बाद में मैच को क्विट कर देना है। क्विट करने के बाद में बैटल हिस्ट्री के अंदर जाना और उस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना। बस तुम्हारे पास ये दो प्रूफ होने चाहिए, एक तो रिकॉर्डिंग 2 मिनट की कि मैच फ्रीज था, और दूसरी चीज़ बैटल हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट वहाँ पर लिखा होना चाहिए यू लॉस्ट। और उसके बाद में अभी मैं तुम्हारे को इसी वीडियो के अंदर मेल भी बताने वाला हूँ कि मेल तुम्हारे को किस तरह करनी है, कहाँ करनी है, क्या क्या लिखना है, क्या क्या मेंशन करना है, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। तो यार फालतू में अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे को बता देता हूँ। अगर तुम 1 घंटा भी वेट करते हो, तो उसके बावजूद वो बंदा सामने वाला क्विट नहीं करेगा, वो मैच को टाई कर देगा। तो तुम्हारा 1 घंटा जो वेट कराया तुमने, उसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ। तो बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि क्विट करना और उसके बाद में मेल करना, रिफंड आएगा। इसके दो फायदे हैं, पहला तो ये कि तुम्हारा पैसा जो गया था वो तुम्हारे पास वापस आने वाला है, और दूसरा ये MPL अपनी जेब से देने वाला है। तो जब MPL को बहुत ज़्यादा मेल चाहिएगी, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना फिर। तो कई प्लेयर्स को अभी तक ये चीज़ भी मतलब डाउट है उनको कि जो मैच फ्रीज हो जाता है उसका रिफंड मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये प्रूफ देख लो। तो आराम से वीडियो को पॉज करके और स्क्रीन को सीधा करके, रोटेट करके, जो भी करना है आराम से पढ़ लो मेल को, साफ साफ लिखा है, थोड़े दिन वेट कर लो और रिफंड जो है आपको मिल जाएगा। तो जिस दिन ये मेल आया था, सेम डे पे रिफंड भी आ जाता है। यूजुअली क्या होता है, अगर 35 या उससे नीचे के बैटल्स होते हैं तो रिफंड जो है अगले दिन ही आ जाता है, और जो बड़े होते हैं उनमें 4 से 5 दिन लगते हैं। तो आराम से तुम पकड़ के चलो, 4 दिन पकड़ लो, तो आराम से रिफंड तो आ जाएगा, गारंटी इस बात की, रिफंड कहीं नहीं जाने वाला है। तो अब तुम फ़ोन को सीधा कर लो, और मैं तुम्हारे को दिखाने वाला हूँ कि मेल जो है वो किस तरह सेंड करी जाती है। तो सबसे पहले अपना जीमेल खोल लेना, क्योंकि वहाँ से मेल जाएगी। यहाँ पे नीचे करके मैं दिखा देता हूँ, ये 2 आई है मेरे को, अभी मेल आई है, कल आई है शायद, और उससे पहले एक ही आई थी, तो मतलब मेरे भेजी थी तो रिप्लाई आ गया और रिफंड भी आ गया। तो अब मैं बता देता हूँ यहाँ पर मेल भेजनी कैसे। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखना है help@mplgaming.com, और उसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, इधर लिख देना फ्रॉड प्लेयर। तो उसके बाद में नीचे तुम्हारे को सबसे पहले एकदम ऐसे प्रोफेशनल मेल भेजनी है, ऐसे नहीं भेजना तुम गाली वाली लिख रहे हो। तो सबसे पहले लिख देना hello MPL team, और उसके बाद में नीचे जाना स्पेस देके। अब मेरा सिस्टम ऐसा है कि मेरे को मेल टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली सजेशन से मेरा काम हो जाता है। तो सबसे पहले लिख देना कि ये मैच मैंने आज खेला इसके साथ में, और इसने जो है फ्रीज कर दिया। और यहाँ पर एक लाइन लिख देना कि आफ्टर वेटिंग फॉर हाफ एन आवर ही वॉन द मैच, यानी कि आपको वेट नहीं करना है आधा घंटा, लेकिन बस लिख देना लाइन, ऐसे लिख देना। यहाँ पे ये मेंशन मत करना कि आपने क्विट करा था। उसके बाद में स्पेस देके नीचे जाना और फिर लिख देना आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ रिफंड द अमाउंट इन माई MPL अकाउंट। ये चीज़ लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम इस चीज़ को नहीं लिखते हो तो वो सोचेंगे कि आपने सिर्फ रिपोर्ट करा है, आपको रिफंड नहीं चाहिए। तो ये चीज़ लिख देना, और उसके नीचे जो मेंशन करने वाली चीज़ है वो है आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर, जिस नंबर से आपने बैटल खेला था वहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर देना। ये सारी चीज़ें हैं, ये एक फॉर्मेट है, इसको फॉलो ज़रूर कर लेना, आराम से रिफंड जो है नेक्स्ट डे या उसके बाद में गारंटी मिल जाएगा।
उसके बाद में अटैच में जाना है यहाँ पर, और जो भी तुम्हारी दो फाइलें हैं, एक तो रिकॉर्डिंग 2 मिनट वाली और जो स्क्रीनशॉट था, उस दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर सेंड पे क्लिक कर देना, फिर सेंड हो जाएगी। तो बस यही था आज की वीडियो में। तो अगर तुम्हारे को अच्छी लगी हो ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि MPL पूल से रिलेटेड जो भी अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी।